हेलो, माय नेम इज श्रीदेव श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। कुछ लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज किए और ये पूछा कि एक्टिंग के बारे में भी आप कुछ बताइए। आप डायरेक्शन राइटिंग पे बताते रहते हैं, कुछ एक्टिंग के बारे में बताइए। तो एक्टिंग के बारे में मैं आज आपको दो ऐसे सीक्रेट्स बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे और कहीं भी आपको सुनने में नहीं मिलेंगे, इवन यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और मुझे लगता है कि ये दोनों बहुत सटीक मेथड हैं। और जब भी मैंने किसी एक्टर को ये एडवाइसेस सजेस्ट की हैं तो उनको बहुत हेल्प मिली है उससे। सो मेरी पहली एडवाइस ये है कि आप आई कांटेक्ट पे ध्यान दें। एक अच्छे एक्टर को आई कांटेक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि उसकी आंखें कभी भी पलक ना झपकाएं जब वो कोई शॉट दे रहा हो, खासतौर पे जब क्लोज शॉट दे रहा हो। अगर आपने हम पिक्चर देखी हो तो हम पिक्चर में अमिताभ बच्चन के ऐसे बहुत सारे शॉट्स हैं जो बहुत क्लोज शॉट्स लगे हैं, और आप वहाँ पर नोटिस करिए कि अमिताभ बच्चन कभी भी अपनी पलक नहीं झपकाते। एक्टर की एक खासियत होती है कि जो पलक झपकाता है वो वहीं झपकाता है जहाँ पर या तो डायलॉग एंड हो रहा होता है या फिर कोई एक तरीका करेगा या फिर मुँह इधर उधर करेगा, उससे अपने आँखों को झपका लेगा, तो ये पलक करना भी ज़रूरी होता है वरना आँखें एकदम दर्द करने लगती हैं। बट इसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। आप कोई अपने घर में कील ठोक ले और लगातार उसको देखते रहे, जिससे क्या होता है कि आपके जो आई पावर्स हैं वो बहुत अच्छी हो जाती हैं। अब इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है कि अगर आपने दूरदर्शन की न्यूज़ देखी हो एक टाइम में, तो आप देखेंगे कि नॉर्मली वो लोग पलक नहीं झपकाते थे, या जैसे मैंने नोटिस किया है कि मॉन्टी पायथन करके एक सीरियल था, वहाँ पर भी जो एक्टर्स थे वो अपनी पलक नहीं झपकाते थे। तो उससे क्या होता है कि ऑडियंस से आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है, और ये चीज़ तब वर्क करती है खासतौर पर जब आप कैमरे की तरफ देख होते हो या कैमरे के जस्ट साइड में देख रहे होते हो, क्योंकि जैसे ही आप पलक झपकाते हो वैसे ही आपका ऑडियंस से कनेक्शन टूट जाता है। और बेसिकली अगर ह्यूमन साइकोलॉजी पे आप ध्यान दें तो आप किसी भी आदमी से कनेक्शन कैसे बिल्ड करते हो, आप किसी भी आदमी से कनेक्शन बिल्ड करते हो उसकी आंखों के थ्रू। आप उसकी आंखों में आंख डाल के देखते हो, दैट्स हाउ यू कनेक्ट विद दैट। अगर आप किसी मीटिंग में बैठे हो और सामने वाला बंदा आपकी आंखों में आंख डाल के बात नहीं कर रहा हो, इधर उधर देख रहा है, तो आपको समझ में आ जाता है कि वो आपकी कन्वर्सेशन में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। सो उसी तरह आंखों का देखना बहुत जरूरी है क्योंकि ऑडियंस उसी से कनेक्ट होती है। सो आपकी आंखें सबसे वर्क करती हैं। तो एक्टिंग में जब अक्सर ये कहते हैं कि एक्टिंग इज डन थ्रू आईज, तो उसका यही मतलब होता है कि आप अपनी आंखों को इधर उधर करके आप आंखों से एक्सप्रेशन देते हो। क्योंकि कई एक्टर ऐसे हैं या कई रोल ऐसे होते हैं जहां पे आपके पास बहुत ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होते। जैसे दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन के बहुत फेशियल एक्सप्रेशन नहीं थे, पर वो आंखों से अपने इमोशंस कन्वे करते थे। तो आंखों के थ्रू आप ये दिखा सकते हो कि आप खुश हो या दुखी हो या इरिटेटेड हो या फ्रस्ट्रेटेड हो या फिर किस तरह का मूड आपका है, वो आप आंखों के थ्रू दिखा सकते हो। अगर आप गुस्सा हो तो लगातार किसी को स्टेयर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो आप अपनी आंखों के थ्रू दिखा सकते हो। बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि सुपरस्टार कैसे बने, तो मैं अक्सर लोगों को ये बताता हूँ कि एक्टर बनना एक चीज़ है, सुपरस्टार बनना डिफरेंट चीज़ है, सेलिब्रिटी बनना डिफरेंट चीज़ है। हम सलमान खान को, शाहरुख खान को, अमिताभ बच्चन को इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। हम उनको इसलिए देखते हैं क्योंकि हम उनसे कनेक्ट करते हैं, हम उनसे रिलेट करते हैं, हमने सालों से उनको देखा है, कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है। अच्छी एक्टिंग तो वो करते हैं, पर अच्छे एक्टर तो और भी भरे हुए हैं। NSD से हर साल एक्टर निकलते हैं, FTI से हर साल एक्टर निकलते हैं, तो अच्छे एक्टरों की कोई कमी नहीं है। तो क्या है इनमें जो दूसरे लोगों में नहीं है, उसका मैं जवाब आपको देता हूँ कि एक चीज़ होती है जिसको मैंने ही डिस्कवर किया है और मैं इसको एक नाम देता हूँ जिसका नाम है एक्सक्लूसिविटी फैक्टर। तो एक्सक्लूसिविटी फैक्टर ये कहता है कि आपके अंदर कोई एक एक्सक्लूसिव चीज़ होनी चाहिए तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। आप दूसरों से स्टैंड आउट करने चाहिए। अब जैसे कोई फिल्म लिखता हूँ अगर मैं, और उसमें मैं सोचता हूँ कि मैं बोमन ईरानी को साइन करूँगा एक रोल के लिए, बोमन ईरानी उस रोल के लिए मना कर देता है, तो मैं नसीरुद्दीन शाह के पास जाऊँगा, नसीरुद्दीन शाह उस रोल को मना कर देता है, तो मैं अनुपम खेर के पास जाऊँगा, पर अनुपम खेर उस कैरेक्टर को मना कर देता है, तो मैं किसी और के पास चला जाऊँगा। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो कैरेक्टर खाली नहीं आएगा। पर अगर मैं कोई फिल्म शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन के लिखता हूँ तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर वो मना कर देते हैं तो मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। तो वो इसलिए नहीं कि अनुपम खेर या फिर बोमन ईरानी या नसीरुद्दीन शाह बहुत अच्छे एक्टर नहीं है, वो शायद अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान से बेटर एक्टर ही होंगे, पर प्रॉब्लम क्या है, उनके अंदर एक्सक्लूसिविटी फैक्टर नहीं है कि उनको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान को मैं रिप्लेस नहीं कर सकता। तो उनकी एक्टिंग में एक ऐसी चीज़ है जो इन एक्टर्स में नहीं होती है, और वो है स्टाइल। किशोर कुमारियाँ एक बार SD बर्मन साहब पहुँचे और उसका गाना सुन रहे थे, वो नहा रहे थे तो उनका गाना सुना उन्होंने। तो जब किशोर कुमार बाहर निकल के आए तो SD बर्मन ने पूछा कि भाई तुम गाते बहुत अच्छा हो, पर प्रॉब्लम ये है कि तुम KL सहगल की आवाज़ में गाते हो, तुम्हें अपना स्टाइल खोजना पड़ेगा, तुम्हें अपना जॉनर खोजना पड़ेगा, तुम्हें अपनी वॉइस खोजनी पड़ेगी। सो लुक इनसाइड एंड फाइंड योर ओन वॉइस। और किशोर कुमार ने जब उस सराह पे काम किया तो ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। उसी तरह हर एक्टर को अपना स्टाइल खोजना पड़ता है। अब जैसे बॉस्टन लीगल में जेम्स स्पेडर जिस तरह अपनी कोट का बटन बंद करता है, दैट्स अ स्टाइल। नाउ जब भी किसी आदमी को आप कोट का बटन वैसे बंद करते देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये जो जेम्स स्पेडर है। शाहरुख खान एक अलग तरीके से अपनी मुस्कान देता है, अलग तरीके से टेढ़ा सर करता है, अलग तरीके से करके बात करता है, तो दैट बिकम्स
person's style. Now that person's style is something that comes from within, and it is everyone's unique identity. Ajay Devgan jis tarah se gardan teedi karke baat karta hai, that's his unique style. Amitabh Bachchan jis tarah bhari awaaz mein aankhon mein ghurte hue baat karte hain, that's his style. Irfan Khan idhar udhar dekh ke conversation karte hain, wo character se baat kar rahe hote hain to idhar udhar dekh rahe hote hain, ha bhaiya kya chal raha hai. So wo uska apna style hai. So every actor needs to have a style. Now ये स्टाइल क्यों ज़रूरी है? ये स्टाइल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं माइंड मैपिंग. ऑडियंस आपके स्टाइल को, जो आपका यूनिक स्टाइल होता है, उसको अपने दिमाग में बैठा लेता है, और जब भी वो आपको उस कैरेक्टर को देखता है तो वो उस कैरेक्टर्स को माइंड मैप करता है पिछले कैरेक्टर के साथ. तो जब भी कोई एक्टर बार बार कोई स्टाइल रिपीट करता है तो वो उससे कनेक्टिविटी बिल्डअप कर लेते हैं. तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी कोई रोल करें, जब भी ऑडिशन में आपको कुछ करने का मौका मिले, तो वो जो स्टाइल है आपका, भले ही वो ये हो सकता है छोटा सा कि आप अपने बाल हाथों से पीछे करते हैं या अपने नाक पैसे उंगली करते हैं, कोई भी स्टाइल हो, आप उसको यूज़ ज़रूर करें. इस तरह यूज़ करें कि डायरेक्टर उसको आइडेंटिफाई ना कर पाए या फिर उसको समझ में ना आए कि आपने वो स्टाइल का इस्तेमाल किया. और हर एक शूट में उस स्टाइल को आप रिपीट करें, उससे आपका एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर बढ़ता है, उससे आपका एक पर्सोना बनता है. थिएटर एक्टिंग और फिल्म एक्टिंग में यही डिफरेंस है, क्योंकि थिएटर एक्टिंग में आप इतना रिहर्सल करते हो कि आपका कैरेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. पर फिल्म एक्टिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम थिएटर एक्टिंग, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट. फिल्म एक्टिंग एंड थिएटर एक्टिंग आर कम्प्लीटली डिफरेंट. फिल्म एक्टिंग इज ऑल अबाउट स्टाइल, फिल्म एक्टिंग इज ऑल अबाउट मेमोरेबिलिटी फैक्टर, फिल्म एक्टिंग is also about personality. एक्टर की पर्सनैलिटी कैसी है वो बहुत मायने रखती है. शाहरुख खान कई बार स्क्रीन पे शाहरुख खान जैसा ही एक्टिंग कर रहा होता है, सलमान खान जैसा वो है वैसे ही एक्टिंग कर रहा होता है. जिमी शेरगिल ने बहुत साल स्ट्रगल किया, फाइनली उसने अपना जॉनर फाइंड नहीं किया जहाँ पे वो खड़े होकर आंखों में आंख देख के बिना एक्सप्रेशन के डायलॉग बोलता है, और सम हाउ ही फाउंड सक्सेस थ्रू इट. सो हर एक्टर को अपना स्टाइल, अपना जॉनर खोजना पड़ता है. तो आप अपना स्टाइल खोजिए. और नाउ ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुद से ही खोजनी पड़ेगी, और वो आपकी पर्सनल चीज़ होगी. आप किसी को कॉपी मत करें, और किसी स्टाइल को ज़बरदस्ती अपनाने की कोशिश मत करें. कुछ चीज़ें होंगी आप अपने आप को ही नोटिस करें, आप अपने आप के अंदर ही देखेंगे कि कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो आप बार बार करते हैं, तो उसी को अपना स्टाइल बनाएं, उसी को यूज़ करना शुरू करें. जैसे अनिल कपूर बार बार यूँ करता है तो वो उसका स्टाइल हो जाता है, तो आप उस स्टाइल को बार बार यूज़ करने की कोशिश करें, और जहाँ से आपका रिलेटिबिलिटी फैक्टर बढ़ता है. तो ये थी मेरी सीक्रेट एडवाइस नंबर 2, कि आप अपना स्टाइल डेवलप करें. तो ये 2 सीक्रेट है जो मैंने नोट किया है एक्टर्स के अंदर. जब मैंने अमिताभ बच्चन से मैं एक बार मिला था, तो मैंने जब उनको ऐसी कुछ बात कर रहा था, तो ही वॉज जस्ट स्टेयरिंग एट मी, एंड आई हैव फाउंड दिस क्वालिटी इन लॉट ऑफ एक्टर्स हु आर वेरी गुड. दे कीप स्टेयरिंग एट यू, वो कभी आंखें इधर उधर नहीं करते, दे जस्ट कीप लुकिंग एट यू, एंड सम हाउ आई थिंक दे आर विजुलाइजिंग व्हाटएवर यू आर सेइंग इनसाइड देयर माइंड. सो गुड एक्टर्स हैव दिस टेंडेंसी दैट दे कीप थिंकिंग, दे कीप विजुलाइजिंग व्हाटएवर यू आर सेइंग. इफ यू आर नरेटिंग अ स्टोरी टू देम, तो वो लगातार उस स्टोरी को विजुलाइज करते रहते हैं, जो उनकी खासियत है, और वो होना भी चाहिए. सो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इन 2 एडवाइसेस पर वर्क करें. पहला तो ये कि अपनी आँख की एक्सरसाइज करें, और जितनी देर आँख खोल के रख सकते हैं उतनी देर रखिए, क्योंकि पलक झपकाने पे आप ऑडियंस से रिलेशन तोड़ देते हैं, एक कनेक्शन जो होता है वो तोड़ देते हैं. तो जितनी देर आप कैमरे पे, अगर आपका लंबा मोनोलॉग है या अगर आपका क्लोज शॉट लगा हुआ है, तो आप पलके ना झपकाएं, आँखें खोल के लगातार कॉन्वर्सेशन करें. दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन द लॉन्गर रन. एंड सेकेंड, फाइंड योर ओन स्टाइल. अगर आप अपना स्टाइल फिगर आउट करते हो तो आपके लिए बहुत सक्सेस होगी, क्योंकि ऑडियंस आपसे कनेक्ट करने लगेगी. अभिषेक बच्चन के पास कोई स्टाइल नहीं है, इसलिए वो आज इतने सक्सेसफुल नहीं है. और इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि मेरा ऐसा मानना है कि जो एक्टर मिमिक नहीं हो सकता, वो एक्टर सक्सेसफुल नहीं हो सकता. जैसे अभिषेक बच्चन की मैंने बात करी, उन्हीं से मुझे सीन याद आया कि अभिषेक बच्चन को बहुत सारे लोग मिमिक नहीं कर सकते. सो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनके अंदर अपना स्टाइल नहीं है. तो जिस एक्टर को आप मिमिक नहीं कर सकते, समझ लीजिए उसके अंदर अपना स्टाइल नहीं है. तो हर आदमी को अपना स्टाइल खोजना पड़ता है, और मिमिक्री और कुछ नहीं होती है, उस एक्टर के स्टाइल को कॉपी करना ही होता है. सो अपने अंदर ऐसी क्वालिटी पैदा करिए कि लोग आपको मिमिक कर सके. अगर लोग आपको मिमिक कर सकते हैं, देन दैट विल बिकम योर स्टाइल. सो विद दिस आई विल क्लोज दिस व्लॉग. जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ. अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं, सजेशन हैं, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करिए. आई विल बी वेटिंग फॉर इट. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.